आज हैं हम हैरिस थिएटर शिकागो। शिकागो वो धरती है जहाँ स्वामी विवेकानंद 125 साल पहले आके बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो जगह यहाँ से बहुत ही नज़दीक है और हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, विच विल बी ऑन सेप्टेम्बर 7th, 8th and 9th। मेरे साथ में है भारत के कौंसल जनरल नीता जी भूषण। कौंसल जनरल शिकागो में सिचुएटेड है और अमेरिका की 9 states को रिप्रेजेंट करती हैं ये। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 15 अगस्त जो बहुत ही नज़दीक है, अभी मैटर है सिर्फ कुछ दिनों का, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आज के इस उत्सव के बारे में जिसका नाम है कला उत्सव, भारत की कला जिसके लिए सब भारत को पहचानते हैं और भारत की कला जो उसकी पहचान है। धन्यवाद। कॉन्सुलेट की तरफ से हमारी ये कोशिश रही है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें कि जो बहुत सारे डांस ग्रुप्स हैं और मिड वेस्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, वो साथ में आके एक परफॉर्मेंसेस करें। और इसी ऑब्जेक्टिव से हमने ये कला उत्सव स्टार्ट किया था और आज हमारा 4th वर्षगांठ है उसका। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि दूर दूर से ग्रुप्स आए हैं और कितनी सुंदर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। इस माध्यम से हम सबसे ज़्यादा लोगों तक अपनी भारतीय संस्कृति के जो वैल्यूज़ हैं वो पहुँचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़े रहें। और आज वो दिन है जब होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया, यू नो, चाहे आप देख लें योगा, चाहे मेडिटेशन, कोई भी चीज़ देख लें, सब समझ आज सब लोगों में ये एक इंटरेस्ट है कि हम भी इसको अपनाएं, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं और हम तनावपूर्ण रहें। और मोर एंड मोर पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस एंड द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन आवर एंशिएंट कल्चर। इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर। हम भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस गाज के साथ बहुत सारी सोच है, जैसे बोला कि भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, बहुत खूबसूरत संस्कृति है और उस संस्कृति की झलक दिखाई गई है आज के इस कार्यक्रम में। तो 15 अगस्त का क्या कार्यक्रम रहता है, किस तरह से मनाया जाता है शिकागो में 15 अगस्त एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। हम फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराना जिसको कहते हैं, हम करते हैं हर साल। तो इस साल हम अपने कॉन्सुलेट में ही करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सुलेट अब काफ़ी बड़ा हो गया है, हमारे पास काफ़ी जगह है। तो हम कॉन्सुलेट के अंदर 10 बजे झंडा फहराएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा और हम प्रधानमंत्री जी का संदेश भी वहाँ पढ़ेंगे। तो 15 अगस्त में हमारी ये उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे दोस्त और हमारे इंडियन ओरिजिन के जितने लोग हैं सब आएँ हमारे कॉन्सुलेट में, हमारा साथ दें। और शाम के टाइम में हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसको हम रिसेप्शन कहेंगे, नेशनल डे रिसेप्शन कहते हैं। दूसरे कंट्रीज़ के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, सभी सब लोग आ रहे हैं और काफ़ी मेयर्स आ रहे हैं, कांग्रेसमैन आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े नेता और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। और अपने ऑडियंस को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि विदेश में आपका साथ भारतीय दूतावास, ये एक स्टेटमेंट हमारी माननीय मंत्री जी ने दिया है और फिर हम उसको अपना रहे हैं। प्लीज़ कभी भी हमारे कॉन्सुलेट में आएँ, कभी कोई दिक्कत हो हमें फ़ोन करें, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, इस मुहिम के साथ हम बात कर रहे हैं और बात किया, हम भारत को जीते हैं, यही कोशिश जो हम आपको पिछले कुछ दिनों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं भारत के लोग जो भारत में रहते हैं कि हम भारतीय जो भारत के बाहर हैं वो कैसे जीते हैं। हमने आपको मंदिर दिखाए, हमने आपको डिफरेंट इवेंट्स दिखाए और ये था कला उत्सव। विद दिस वर्ड्स आई टेक यू बैक। एंड नीता जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।